पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नहीं कराई जा रही सड़क का नवीनीकरण। प्रयागराज के करछना ब्लॉक के अंतर्गत हरई से भदेसर तक पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड की पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। वहीं आपको बता दें, करछना ब्लॉक के ऐसे कई सड़क हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिससे विद्यार्थियों का व व्यापारियों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ घोड़ेदी की नहर पर लगभग 2 किलोमीटर दूर तक बारिश की वजह से रोड हजारों छोटे बड़े गड्ढों हो गए हैं, जिसमें यात्रियों को आ जाने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों में कई बार अवगत भी कराया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मामले को अनदेखा करते जा रहे हैं और कई बार इस रोड में हादसा भी हो चुका है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए विनय कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल में विनय कुमार शर्मा। इस समय प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र के ये घोड़ेडी ग्राम सभा में हूँ। घोड़ेडी ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की है। इसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ये 7 किलोमीटर में 5 किलोमीटर दूर बारिश की वजह से इतना जर्जर हो चुका है, इतना गड्ढा हो चुका है, जिसमें कि यात्रियों को आना जाना इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इसका कितना निंदा की जाए उसके लिए वर्ड भी कम है। यहाँ की देखिए यात्रियों, इसमें लगभग कम से कम 25 विद्यालयों से ज़्यादा छात्रों के यहाँ पे आवागमन होती है। इस बारिश की वजह से इतना रोड ख़राब हो जाता है कि बच्चों या छात्रों को आना या आम यात्रियों के व्यापारियों के आना यहाँ किसी, देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोड से लगभग कम से कम 25 गाँव से ज़्यादा आवागमन होता है, जिसमें से आने जाने के लिए इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए एक यात्री है गड्ढा के बारे में। सर क्या नाम है आपका? संतोष। ये सर जो आप आ रहे हैं इस रोड के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो रोड देखते हैं साल से ये, इससे सरकार की आप क्या कहेंगे? क्या नाम है अंकल जी आपका? सर ये जो देख रहे हैं इस रोड के बारे में, इतना गड्ढा हुआ है, कम से कम स्थानों पर 1 फीट से ज़्यादा भी गहरा हुआ है। यहाँ पे आने जाने में बाइक भी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या हादसा होता ही रहता है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब एक जगह चाहते हैं कि बन जाए, अच्छी है, बनवा दे सरकार, सबसे अच्छा है इसके लिए, सबको आराम मिल जाएगा आने जाने। बच्चे बेचारे स्कूली बच्चे साइकिल से ज़्यादा गिर जाते हैं इसके। देखिए जैसे कि ताऊ जी का भी कहना है कि इस रोड के लेकर के सबसे ज़्यादा युवा बुजुर्ग या छात्र छात्राओं, ये लगभग जितने रोड की इसके आवागमन होता है, सारे लोगों के समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रेमचंद यादव। सर ये इस पर आपके तो गांव के ही पास है, इस पर क्या कहेंगे? इतना रोज गड़ा ही, इसका कोई इस पर जाँच हो चाहिए या तो फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो अब हम तो हैया यहीं हैं, यहीं के पड़ोसी हैं, यहीं के सब कुछ हैं। एक खड़ंजा भी है, वो भी इतना दिक्कत है, और रोड भी दिक्कत है कि माने रात बिरात कोई हादसा हो जाए तो हम पर गाड़ी घोड़ा नहीं आ सकते हैं, कंधे पर लाद के तब ले आना, तब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसलिए कि माने हम यही उद्देश्य रहा कि बन जा तो ठीक रहना, जैसे ढंग से भोगा जा रहा भोग रहे हैं। देखिए ये वर्तमान सरकार जो है ये बड़े वादा भी किया है, लेकिन जब पहली बार ये भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो ये हमारे जो इस समय मुख्यमंत्री, उन्हें घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोड नहीं होगा।